हिली एरिया है तो वहां पर स्नो भी पड़ेगी, आएगी ना, तो वहां पर बर्फ पड़ेगी, उस बर्फ को हमने हटाना है, यही हमारा स्नो क्लियरेंस है। द स्नो रिमूवल एंड स्नो क्लियरेंस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हिली रोड। हिली रोड पर बहुत मेजर प्रॉब्लम है स्नो को क्लियर करना इन विंटर सीजन। द स्नो फॉलिंग इन द कोल्ड हिली रीजन एक्यूमुलेट्स, जो वहां पर स्नो पड़ती है, जो बर्फ पड़ती है, वो वहां पर एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी होती रहती है इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में, एंड इट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग विंटर मंथ मे बी एज हाई एज 6 मीटर इन द हिमालय रीजन। मतलब जो उसकी कितनी डेप्थ तक हमारी स्नो पड़ जाती है वहां पर, लगभग 6 मीटर तक, जो हिमालय रीजन है ऊपर वाले वहां पर। द फ्रेश स्नो इज अ फाइन फ्लास्की सॉफ्ट मटीरियल विच इज कॉम्पैक्स विच ऑन कॉम्पैक्शन फॉर्म अ क्लियर ग्लासी हार्ड आइस। जो हमारी स्नो पड़ती है वो थोड़ी हमारी सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कॉम्पैक्शन होती रहती है वो एक हार्ड आइस बन जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्नो एक्यूमुलेशन मोस्ट ऑफ द हिली रोड सिचुएटेड एट हाई एल्टीट्यूड आर क्लोज टू ट्रैफिक मूवमेंट ड्यूरिंग विंटर। इसी वजह से जो वो रोड है, क्योंकि वहां पर अब क्या हो गया है, स्नो इकट्ठा हो चुकी है, एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो सर्दियों के मौसम में हमें क्या करना पड़ता है, उन रोड्स को बंद करना पड़ता है। होगी ना प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है हमारी स्नो क्लियरेंस। टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ स्नो क्लियरेंस इट इज फर्स्ट नेसेसरी टू लोकेट द पोजिशन ऑफ रोड एंड देयर स्ट्रक्चर जनरली कमिंग अंडर द अटैक ऑफ स्नो कवर फ्रॉम ट्रैफिक मूवमेंट। फालतू की चीजें हैं। तो स्नो क्लियरेंस क्या होता है हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारी स्नो क्लियरेंस है। उसके बाद किन किन मेथड से हम उनको क्लियर कर पाएंगे, ऐसे कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम वहां से जो स्नो है, जो बर्फ है, उसको हटा पाते हैं। नंबर 1, ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव, ठीक है, हम क्या करेंगे वहां पर, ब्लास्ट करेंगे एक्सप्लोजिव से। तो वहां पर जो हमारी स्नो जमा हो गई है उसको हम क्या करेंगे, क्यों ब्लास्ट किया, क्योंकि वो एक हार्ड स्टेट में आ गई है। जब वो बर्फ पड़ रही है तो बिल्कुल फाइन होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉम्पैक्शन होता रहता है तो एक हार्ड बन जाती है, जैसी बर्फ होती है हम फ्रिज वगैरह में जमाते हैं, देखो कितनी हार्ड होती है, तो उस टाइप की कुछ बन जाती है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर ब्लास्टिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, स्नो क्लियरिंग बाय स्नो कटिंग बाय मशीन्स, मशीन्स की हेल्प से, जेसीबी की हेल्प से, इस तरह की मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं वहां पर इसको क्लियर करते हैं। तीसरा, मैनुअल रिमूवल ऑफ स्नो, मतलब हमने लेबर लगा दी, वो क्या कर रहे हैं, फावड़े वगैरह लेके उसको हटा रहे हैं। तो ये हमारे 3 मेथड किसके, स्नो क्लियरेंस। उसके बाद चलते हैं हम, कुछ ने छोटी छोटी मतलब उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हम करें। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फ्रोस्टी, ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा, वो तो नाम से ही पता लग रहा था स्नो क्लियरेंस क्या होगा, 2 लाइनें वैसे भी बंदा लिख देता, आएगी भी सिर्फ डेफिनेशन ही। तो फ्रोस्ट क्या होता है, द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट इन हिली रोड। फ्रोस्ट का मतलब आप थोड़ा इमेज बनाओ आइस, ठीक है, फ्रोस्ट मतलब थोड़ा इमेज ऐसी बनाओ माइंड में कि आइस टाइप कुछ है। द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट इन हिली रोड वेयर द टेम्परेचर ऑफ सोयल वाटर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इज हार्मफुल टू द स्ट्रक्चर ऑफ रोड पेवमेंट। क्या होता है, ये आपकी क्या है, सोइल सरफेस है, जो आपकी रोड है ना, उसके नीचे ये क्या होगी, आपकी सोइल होगी, इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा फ्रीजिंग पॉइंट से, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जमना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जमने की वजह से क्या होगा, जो आपका ये पूरी सरफेस थी इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखो 2 डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये इतना वॉल्यूम क्या होगा, रोड सरफेस हीव एट लीस्ट एज मच एज कंबाइंड लेंथ थिकनेस। तो हम पढ़ लेते हैं इसको, द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट इन हिली रोड वेयर द टेम्परेचर ऑफ सोयल वाटर, मतलब जो सोयल के अंदर वाटर है, फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे ही वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है, इज हार्मफुल टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रोड पेमेंट, वो रोड पेमेंट की स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल होता है। फ्रोस्ट एक्शन रेफर टू द, अब ये देखो है क्या, फ्रोस्ट एक्शन रेफर टू द एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू फ्रोस्ट हीव, फ्रोस्ट मेल्टिंग एंड थाइंग, एंड द अल्टरनेट साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड थाइंग। क्या होता है, देखो
जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल थे, टेम्परेचर कम हुआ तो ये जमना स्टार्ट हो गए, ये तो हो गया हमारा क्या फ्रीजिंग। फिर ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद पिघलेगा भी, तो उससे फ्रीज होने से क्या हुआ, टेम्परेचर अपना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। फिर ये जो पिघलेगा, जो वाटर इसमें स्नो जम गई थी वो जब पिघलेगी तो ये वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो रोड है वो खराब हो जाती है। तो वही एक्शन हमारा क्या है, फ्रोस्ट, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका जमना और पिघलना। द फिनोमिना ऑफ फ्रोस्ट एक्शन ऑन द रोड स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो। इसको यहाँ पर समझाया गया कैसे, व्हेन द सोइल टेम्परेचर डिक्रीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर। जैसे ही टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा, वाटर इन द लार्जर वॉइड्स, जो वॉइड्स में वाटर है, फ्रीजेस, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। बट दैट इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट, बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर। ठीक है, लेकिन जो कैपिलरी ट्यूब में होता है वो हमारा नहीं जमता, क्योंकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा लोअर होगा। द कैपिलरी वाटर इज ड्रॉन टू द फ्रोजन पार्टिकल विद ट्रमेंडस फोर्स। जो हमारा ये दिखा रखा है देखो एरो से, हमने वाटर पढ़े हुए ना कितने टाइप के होते हैं, सब सरफेस होता है, कैपिलरी वाटर होता है। तो इन्होंने कहा जो ये वाला वाटर होगा ये तो जम जाएगा, लेकिन वो वाटर जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर राइज कर रहा है वो वाटर नहीं जमेगा। और वो वाटर क्या करेगा, वो वाटर फ्रोजन पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ बढ़ेगा एक ट्रमेंडस फोर्स से। व्हेन द वाटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द आइस पार्टिकल, जैसे ही ये वाला वाटर कौन सा कैपिलरी वाटर इस आइस पार्टिकल के पास जाएगा, इट फ्रीजेस एंड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द आइस लेयर। वैसे ही वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जम जाएगा, पानी तो है वही, और तो कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो आइस के कॉन्टेक्ट में आएगा वो भी जम जाएगा। दस राइजिंग द ओवरलेइंग पेमेंट, उससे क्या हो जाएगा, देखो ये दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा इस मॉलिक्यूल तक गया, आइस वाले तक, तो वो भी जम गया। वो जमेगा तो क्या है, वाटर से जो आपकी आइस होती है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो ओवरऑल इसकी क्या कर दी, उसने थिकनेस बढ़ा दी। जो पहले हमारी सरफेस यहाँ पर थी अब वो बढ़कर कहाँ होगी, ऊपर होगी, इस लेवल तक पहुंच गई। दिस इज नोन एज फ्रोस्ट हीव। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट हीव। फ्रोस्ट की वजह से वो ऊंचा उठ गई हमारी सरफेस, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट हीव। दीज आइस क्रिस्टल ग्रो फर्दर इन साइज। जैसे फिर क्या होगा, ये जो कैपिलरी वाटर वो धीरे धीरे आता रहेगा इधर इन आइस मॉलिक्यूल के पास, आइस पार्टिकल के पास, तो वो क्या होता रहेगा, ये भी जमते रहेंगे, जो आपका आपका कैपिलरी वाटर है ये भी जमता रहेगा, तो वो वॉल्यूम उसका बढ़ता रहेगा। दीज आइस क्रिस्टल ग्रो फर्दर इन साइज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इफ देयर इज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एंड डिप्रेस टेम्परेचर स्टेट कॉन्टिन्यूस। तो इससे क्या होगा आपका, वो धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ड्यूरिंग स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग आएगी, मेल्टिंग एंड थॉइंग ऑफ द आइस क्रिस्टल टेक प्लेस। अब वो जो हमारी जो ये आइस थी वो क्या होगी, पिघलना स्टार्ट करेगी विद सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट होगी। दिस रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग ऑफ रोड बेड। उसकी वजह से अब जो हमारा ये जो रोड बेड था जो हार्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आइस जम गई थी, अब ये आइस पिघल गई, पानी बन गया, पानी बनने की वजह से जो हमारी ये पूरी सरफेस थी वो क्या हो जाएगी, हमारी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी। द रोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सब ग्रेड इज कंसिडरेबली डिक्रीज। और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड हार्मफुल सेटलमेंट ऑफ द रोड सरफेस फॉलोज। और उससे क्या हो जाएगी, उसकी सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा फ्रोस्ट, मतलब जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं वो जमना स्टार्ट होंगे। कौन से वाले, जो सब सोयल वाटर है पहले वो जमेगा। कौन सा नहीं जमेगा, कैपिलरी वाटर नहीं जमेगा। फिर क्या होगा, ये कैपिलरी वाटर इस सब सोयल वाटर की मतलब ओवरऑल उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर ये जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पिघलेगा भी आइस हमारा, तो आइस पिघलने की वजह से वो वॉल्यूम है हमारा वो फिर से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा, फ्रोस्ट हीव कहलाएगा। ठीक है, मतलब वाटर से क्या बना, आइस बना।
आइस बनने से उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वेट करो बच्चों 2 मिनट आ रहा हूँ।